नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी मुश्किलों में घिरती जा रही है। राजधानी लखनऊ में आयोजित सपा की वर्चुअल रैली में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप में समाजवादी पार्टी के खिलाफ धारा 144 तोड़ने और महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की है कि क्योंकि शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में सैकड़ों समर्थक एक वर्चुअल रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। रैली को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया था। पुलिस में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 2500 समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ पुलिस ने आयुक्त ने बताया कि करीब 2500 समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 188, 269, 270 और 341 के तहत महामारी रोग अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ प्राथमिकता दर्ज की गई है। लखनऊ के पुलिस प्रमुख ने कहा कि संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले वीडियो साक्ष्य हासिल किए गए थे। दरअसल शुक्रवार को CM योगी की कैबिनेट का हिस्सा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समेत कई भाजपा विधायकों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उपस्थिति में पार्टी का दामन थामा था। यही नहीं, इस वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अखिलेश समेत कई नेताओं ने भाषण भी दिए थे, जबकि कार्यालय में जमकर भीड़ उमड़ी थी, जैसा कि वीडियो फुटेज में दिखाया गया है। द्वारा भी जो प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं किया जाना है, और साथ ही साथ अगर इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। और मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि COVID-19 के नियमों का पालन और आदर्श आचार संहिता भी वर्तमान में प्रभावी है, इसमें जो आदर्श आचार संहिता के जो स्पष्ट नियम है और माननीय आयोग का निर्देश है, इसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। और किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और पूरा प्रकरण क्या चल रहा था, क्या जानकारी मिली है? देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और COVID-19 के नियमों का उल्लंघन इसमें जो परिलक्षित हुआ है उसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी ज्यादा डिटेल्स आप यहां से ले सकते हैं। कितने लोगों के खिलाफ हुआ दर्ज, ये आप पूरी की पूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको जो मुख्य बिंदु थे वो बता दिए। धन्यवाद। पार्टी में से सर जो चल रहा था, जिस तरीके से लोग मौजूद थे, तो क्या जैसे वहाँ के जो विधायक हैं या वहाँ के जो राष्ट्रीय नेता हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई FIR दर्ज की गई है? देखिए, इस पूरे प्रकरण का संज्ञान तत्काल लेते हुए इसमें एक कार्रवाई की गई है जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और साथ ही साथ COVID-19 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज की गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी डिटेल्स, थैंक यू, ये आप डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।